नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये एक कोरिया में तो ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत पसंद किया जाता है। ये एक ऑटो पैक कंपनी है, म्योंगयोंग के नाम से है एंड ये बहुत अच्छी कंपनी है। और इसका ये चक्कर है कि इसमें जो है ना ये लोग जो है ना ये इस पैकेजिंग करते हैं। इनकी जो कंपनी की है ना उसको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये थाईलैंड, इंडिया और मतलब US में तो काफ़ी देर से ही पैकेजिंग कर ही रहे हैं, मगर इनको आज मतलब इन्होंने सोचा कि हम मतलब जो है ना इंडिया के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, कि इनका ऑलरेडी बिजनेस इंडिया के बहुत सारे कामों में हो रहा है, मतलब बहुत सारे इनके कंपनीज के साथ ऐसे हुए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसके बारे में भी सोचें कि हम और भी इस काम को ना एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है? तो ये जो है ना इनकी पैकेजिंग होती है, इसमें ये करते हैं कि ये जैसे ये है ना ऐसे हम लेते हैं, तो आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो चीज़ें जो हम जैसे कि हम कुछ खाना चाहते हैं, ठीक है ना, और हम उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी मतलब जेलीज हो गई, इसी विटामिन सी की आजकल जो है ना हेल्थ के बारे में बहुत इशू होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी जो है ना कोलेजन और ये सब सॉल्यूशन होते हैं, तो उसको हम यूज़ करने की इसकी पैकेजिंग जो है ना कन्वीनियंट नहीं होती। अगर हम कुछ खोलते हैं तो उसी टाइम खाना पड़ता है, उसको पीना पड़ता है, मगर इनकी पैकेजिंग जो है ना ये इस तरीके की कि आप इसको खोलो और उसके बाद उसको जो आपको खाना है पीना है जो भी है उसके बाद उसको आप बंद कर दो यूं करके ना। इसके ना बहुत चीज़ें, ये नहीं कि सिर्फ ये मतलब खाने पीने के हिसाब से नहीं, इसमें हैंड क्लीनर भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं पैकेजिंग में। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास हैंड क्लीनर होना चाहिए, कुछ सैनिटाइजर भी हो सकता है, कुछ मतलब बहुत से लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ कैरी करना चाहते हैं ट्रैवलिंग करते हुए, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया या फिर कोई वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, वो कन्वीनियंट नहीं होता, हम उसको खोलते तो हमें पूरा फिनिश करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता ना यहाँ पर। तो इसलिए ये जो है ना यहाँ पर इन्हें पैकेजिंग लेकर आए, इसको आप खोलो, ठीक है, यूं करके इसको आप जो है ना खाओ, मतलब आपको मतलब अगर सैनिटाइजर है तो आप यूज़ करो, अगर इसके ना कुछ सॉल्यूशन है चॉकलेट मतलब मूज है और कुछ है तो उसको आप खाओ। और ये कोई जेली है, अगर जैसे ये वाली जेली है इनकी जो है ना इनर ब्यूटी बूस्ट, यहाँ पर कोरिया में ना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इस तरह की जो ना कोलेजन वाले सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ऑर्गेनिक होती हैं। तो ये कोरिया में तो आपको ये हर जगह देखा होगा, आपने के ड्रामा से भी देखा होगा, के पॉप कल्चर भी देखा होगा कि अक्सर आपके जो फेमस स्टार्स हैं वो इसमें से जो ना कोजेक जेली और ये सब जो है ना खा रहे होते हैं। और इसमें जो ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब विटामिन सी का होता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोलेजन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो उसको जो है ना कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी पैकेजिंग कैसे शुरू होती है अगर आप इसकी बात करें, तो ये इनकी जो है ना पैकेजिंग का तरीका है, ये इस तरीके के ना ये सबको जो है ना पूरे तरीके से जो है ना ये बिल्कुल लाइन में होती हैं। इनका काम ये नहीं है कि इसके ना चीज़ें प्रोवाइड करना, चीज़ें आपके इंडिया की होंगी, इसको पैकेजिंग वो बता रहे हैं कि इस तरह की हम पैकेजिंग आपके लिए कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है ना बिल्कुल पूरे तरीके से ये जो है ना इन्होंने इस तरह इसको सेट किया हुआ है और इसके अंदर आप ये जो है ना सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब ये है कि एक सॉल्यूशन जो है ना ऐसा नहीं कि ये पूरी मशीन होती है जिसके पास जो है ना इनका एक जो है ना राउंड होता है और उसके अंदर जो है ना ये पूरे तरीके से इसके ना सॉल्यूशन जो है ना इक्वल अमाउंट में डालता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये आगे प्रोसेस के लिए जाते हैं, इनका जो थर्ड स्टेप होता है उसमें ये होता है कि इसको वो क्लीनिंग करते हैं, यानी कि जो है ना इसको स्टीम के जरिए इसको क्लीन किया जाता है ताकि उसमें कोई भी जो भी बैक्टीरिया है वो सब मर जाए और सब ठीक हो जाए। उसके बाद जो है ना वो आगे प्रोसेस के लिए जाता है और ये देखें कि पैकेजिंग कितनी आसान है, ये इस तरीके की इनका जो है ना वो रोलर होता है और उसका जो अगला प्रोसेस होता है वो इस तरह मशीन में होता है, वो मशीन के जरिए जो है ना वो इन चीज़ों को एक ही टाइम पे यूज कर देते हैं और उसके बाद ये डन हो गया और इसको आप सील्ड हो जाता है, ठीक है ना। आप आपके पास ये प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है ना, ये मेरा प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल और इसको मैं खोलती हूँ, ठीक है, तो ये सील्ड है पूरे तरीके से। मगर अगर मैं इसको एक दफ़ा खोल दूँ ये वाला, ठीक है, तो अब ये ऑब्वियसली खुल चुका है, ठीक है, ये सील नहीं रहा और अब जो है ना मैं इसको खाऊं पीऊँ, मगर अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको खाऊं, ठीक है, ये चॉकलेट है, सही, अब इसको मैं बंद करके रख देती हूँ, ठीक है ना, और ये मैं इसको मैं 2 दिन बाद खा सकती हूँ या मैं रात को खा सकती हूँ जब मेरा दिल करे। तो इनकी ये पैकेजिंग होती है। इसके अलावा ये है हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है ना, फॉर हैंड क्लीनर। अब पता है कि आजकल कोरोना का मसला हो रहा है, इतना ज़रा वायरस हो रहा है, तो हमारे बहुत सी जो कंपनीज हैं इंडिया में वो भी बहुत सारी पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक ना, उसमें हैंड क्लीनर हो जाता है, हैंड सैनिटाइजर हो जाता है, तो हम उसको कन्वीनियंटली जो है ना लेकर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सी जो है वो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, ठीक है ना। अब आप घर में तो बड़ी बॉटल्स ले सकते हैं, मगर आप पैक के ना तो नहीं रख सकते ना बड़ी बॉटल्स, अगर कोई स्कूल जा रहा है तो उसके पास वो बड़ी बॉटल्स ही रख सकते ना, तो होते पैकेज रख सकता है ना, अपनी पॉकेट में रखा, आपने यूज़ किया हल्का सा सैनिटाइजर, उसको यूज़ किया, उसका आपने रख दिया। सबसे मजे की बात है कि कोई बॉटल होती है तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक ना, इसका ये कि ये बाहर नहीं जाएगा, सील्ड है पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये सील्ड हुआ वैसे करके ना। तो इसमें यह कि इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इसको पैकेजिंग में रखें या ना रखें। इसका हम ये है
इंडिया में मैंने देखा कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि हमारे पास तो बहुत किस्म की सॉसेस भी होती हैं, ठीक ना, कि हमारे पास बहुत सारे मसाले होते हैं, इसको वो लिक्विड हमारे पास बहुत सारे जो है ना, कुछ कंपनीज होते हैं वो लिक्विड तौर पर हमें मसाले देती हैं, ठीक ना, जिसको हम जो है ना खानों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, तो वो जो है ना वो भी हम इसके अंदर अगर पैकेजिंग हो तो कितनी आसानी है ना, कि अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं तो हम एक पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली कि अगर बड़ी मतलब बड़ी क्वान्टिटी में है, कोई 1 किलोग्राम का अगर हो गया तो हम उसको आधा यूज़ कर सकते हैं उस मसाले को और आधा हम बंद करके रख सकते हैं। यूजुअली इनका काम ना फूड लोगों के फूड पैकेजिंग में ही है, थाईलैंड हो गया, US हो गया, इनके साथ ही काम कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी ये काम कर रहे हैं, मगर अभी जो है इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इंडिया में, चाह रहे कि और कंपनीज के बारे में, कि इंडिया में बिजनेस अच्छा चला तो ये चाहते हैं कि और भी कंपनीज को पता हो इस बारे में, क्योंकि अगर सब कंपनीज को इस बारे में पता होगा तो इनके लिए और आसानी होगी। इसमें ये देखेंगे स्वीट पोटैटो राइस है, ये मतलब डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, इसमें ये है, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों के लिए बड़ी आसानी है, कि अगर जो है ना बहुत सारे पोरेजेस होते हैं बच्चों के या सीरियल टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको हम जो ना फूड होता है, बेबी फूड होता है, हम कहीं लेकर नहीं जा सकते, अगर वो बेबी फूड में इन चीज़ों के अंदर हो तो कितनी आसानी हो ना, कि अगर हम बेबी पैक के अंदर ये चीज़ें रखें और हम जो है ना जब हम बच्चों को खाना खिलाना होता है हम इसको हाफ यूज़ कर सकते हैं उसमें डाल के बाउल में, और उसके बाद जो है ना वो खिला सकते हैं। तो ये मतलब डिफरेंट चीज़ों के तरीके से ना ये लोगों ने, इन लोगों ने बनाया हुआ है, और ये कोरिया में तो आपको हर जगह देख देना, हमने के ड्रामा देखा तो के ड्रामा में अक्सर जो है ना हीरोइंस भी जो है ना ऐसी मतलब ऐसे खा रही होती हैं जेली, स्पेशली जो है ना ये जो जेली है ना ये मतलब काफ़ी जो ना फेमस है, और ये कंसिडर होती है ग्लूटेन फ्री और समथिंग, तो सब लोग ना इसको सप्लीमेंट की तरह लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, मतलब आज के मैंने देखा इंडिया में बहुत लोग इंटरेस्टेड है कि हम जो है ऐसे सप्लीमेंट्स लें जैसे जेलीज हों, और जो हमारी जो है ना एक तरीके से डाइट होगी, कि आजकल लोग बहुत डाइटिंग करते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें तो बहुत, इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा इन है ये इन प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इसमें अच्छा ये जो पैकेजिंग है ये नहीं कि अंदर इसके ना ख़राब हो रहा है, इसके ना पूरी तरीके से ये सील्ड हो, इसके ना एल्यूमिनियम है, इसके ना खाना बिल्कुल पैक रहेगा। और एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं और हमारा दिल करता है कि हम जो है ना कुछ खाने की चीज़ें जो है ना इंडिया से हम अगर अमेरिका जा रहे हैं तो हम अमेरिका लेकर जाएं, ठीक ना, अपने फैमिली को हम गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जैसे कोरियंस हो गए हैं ना वो भी अपनी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो उनकी जो है ना किमची होती है उसको बहुत अच्छे से वो पैकेजिंग करते हैं, ठीक ना, अगर हम अपनी चीज़ें लेकर जाना चाहते हैं हम इसके ज़रिए पैकेजिंग भी कर सकते हैं, कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें पता है कि लिक्विड है और हम नहीं लेकर जा सकते, ठीक ना, मगर अगर हम उस चीज़ को इसके अंदर डालें और इसके साथ पैकेजिंग करें तो हम इसको भी मतलब लेकर जा सकते हैं बाहर, और मतलब हमारे कोई मसला नहीं होगा, बैग मतलब जो बैग के अंदर वो नहीं गिरेगी, बहुत कन्वीनियंट तरीका है। तो आई थिंक इंडिया में ये बिज़नेस बहुत चलेगा, और हमें चाहिए कि हम इन कंपनीज के साथ काम करें, और सारी पैकेजिंग भी अच्छी होगी, और ये ऑलरेडी इंडिया के साथ काम कर रहा है, सो आई होप कि और भी कंपनीज इस कंपनी के साथ काम करें, कि इनको तकरीबन कोई 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आज तो मैं आपके साथ ये टेक्नोलॉजी लेकर आई, ये कंपनी लेकर आई, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ कोई और अच्छी कंपनी लेकर आऊँगी। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, मगर पैकेजिंग के लिए तो यही फेमस है सबसे ज़्यादा। चलें, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया, बाय बाय।